कहानी का नाम क्या है? लक्ष्मी। और इसके कहानीकार कौन है? गुरु बचन सिंह। इसमें वो क्या कहना चाहते हैं? इस कहानी के द्वारा जो उन्होंने वचन दिया था, गुरुबचन सिंह कहानीकार है, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि किसी को अगर हम वचन देते हैं तो उसे निभाना चाहिए और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया। लेखक का कहना है कि प्राणी अगर अनुपयोगी हो जाए, उपयोगी का अपोजिट अनुपयोगी, तो भी हमें क्या करना चाहिए? उसे पालन पोषण करना चाहिए। जैसे गाय अगर दूध नहीं भी देती है तो भी मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए। उस दिन लड़के ने त्रेश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर चार डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। यहां वह किसके लिए आया है? लक्ष्मी, जो गाय का नाम है। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाव से मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती थी। उसे कौन मारा था? करामत अली इधर दो चार दिनों से अस्वस्थ था, जो उसका देखभाल कर रहा था। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो रहमान कौन हो गया? करामत अली का लड़का। तो उससे रहा नहीं गया, वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान मतलब जहां गाय को पशु को बांधा जाता है। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, क्योंकि वह बहुत प्यार करता था। कौन? करामत अली, और उसके बेटा का नाम रहमान। तो आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसके पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो। तो रोगन का मतलब दवा, यहाँ क्या है? दवा, दवाई जो लगाते हैं उसको, बेचारी को आराम मिलेगा। रमजानी कौन हो गई? उसकी बीबी। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। अब बोलो क्यों, उसका रहमान ने क्यों मारा? तो वह आज दूध नहीं दी थी इसके लिए। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पांव इधर दर गया तो कमर सिकवाते रहोगे, तो उसे कमर में दर्द होगा करामत अली को। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। तो करामत अली के मित्र का नाम क्या था? ज्ञान सिंह। उन्होंने उसे ये गाय दिया था। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेर उम्र की लक्ष्मी, अधेर उम्र मतलब क्या हो गया? थोड़ा उम्र ज्यादा हो जाना, तो अधेर उम्र कहते हैं। अधेर उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, तो वह लक्ष्मी गाय थी किसकी? ज्ञान सिंह की। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए पैसा जुटा लेते थे, क्योंकि गाय को ये खाना दिया जाता था, चारा और दर्रा, यही सब शब्द सब पर ध्यान देने का। नौकरी से अवकाश के बाद, अवकाश मतलब क्या हुआ? जब वो रिटायर कर गया
तो नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश मतलब छुट्टी में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, मतलब क्या हुआ? अरे ये तो कितनी अच्छी बात है, इसके लिए पूछने की क्या जरूरत, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले एक वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था, एक साल से वो रखा हुआ था, गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कसर नहीं छोड़ना मतलब कमी नहीं छोड़ना, मुहावरा शब्द सब रहता है। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी अस्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। ऐसा उसको लगा कि वह गाय बोल रही है लक्ष्मी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूटे से बांध कर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे जब वह दूध नहीं देती है? जानवर है, बंदा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 350 महीने का खर्च है, सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक ऐसा समय भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त मतलब क्या हुआ, फ्री में खिलाना भी पड़ सकता है, चूंकि अब वह दूध नहीं देती थी। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा, तो अब करामत अली का साथी का नाम क्या है, नईम, तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा, क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, हाँ परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूहता था। जैसे रात को वो ड्यूटी से आता था तो वह गाय को दूहता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता, अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा, देखो ये सब खाने का चीज हुआ जो गाय को दिया जाता है, आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। सानी तैयार करना मतलब पानी के साथ सबको ये मिला देता है, तो उसे सानी कहते हैं। तुम लोग को तो ये सब चीज़ देखने को भी नहीं मिला होगा, हम लोग गांव में ऐसा सब किए हैं तो ये सब आसानी से समझ में जाता है। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुँह मारने लगी, चूँकि उसको बहुत ज़ोर से भूख लगा था। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, 10-15 दिनों से यों ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ, पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ, लो यह राशन के लिए कुछ रुपये रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची से, संदूकची क्या हुआ, पेटी हो गया जिसमें रखती थी वो पैसा सब, में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी की राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे, आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकार और कहीं डूब के कारण जमीन हरी नजर आती है, वहाँ पर छोड़ आया ताकि वह घास खा ले, पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी।
फिर से वह वहीं आ गया आ गई। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। काजी हाउस क्या हो गया? जहां पर उसे दे दिया जाता है। रमजानी चुप खड़ी उस आगंतुक यानी वो जो अपरिचित थे उनकी बातें सुनती रही। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। खामोश मतलब चुप हो गया, शांत हो गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है? दर्रा खल्ली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुँह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे, नुक्कड़ मतलब क्या हुआ, चौड़ाहा, जिसको हम लोग नाका बोलते हैं। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। रहमान कौन था? करामत अली का बेटा। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उसने कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध दूध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा, यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोड़ा जवाब दिया, मतलब अस्पष्ट जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है, आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो? तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर कहाँ बेचाएगा, जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, चूंकि इसको जिम्मेदारी दिया था। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो कहाँ उसको छोड़ने जा रहा था करामत अली? गौशाला में। एक क्या होता है कि अगर उसको बुच्चर कहते हो, उसको वहाँ पर अगर छोड़ देता तो उसको टुकड़े टुकड़े करके उसके चमड़ी निकाल लेता है, उसका मांस सब टुकड़ा कर देता है, जिंदा ही खींच लेता है, तो इसके लिए वो नहीं चाहता। गौशाला में क्या होता है, गाय का सेवा किया जाता है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहीं इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहाँ ना रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भराया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। चूंकि करामत अली को तो यह मन नहीं था, लेकिन इसके पास था कि कहाँ से वो खिलाता, और उसकी पत्नी और बेटा को पसंद नहीं था चूंकि वह दूध नहीं देती थी। तो इस कहानी के द्वारा क्या संदेश मिलता है कि जब कोई चीज़ काम का नहीं रह जाए तो क्या उसकी अवहेलना करना चाहिए? नहीं, उसका और ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें कुछ अर्थ दिया है,
तो उसको मैं एक साथ सब लिया हूँ। तेज मतलब गुस्सा, खूंटा बांधने, प्रायः हमेशा, अधेर बड़ी उम्र, इत्मीनान आराम से, जिज्ञासापूर्ण जानने की इच्छा, दूब हरी घास। इस कहानी को पढ़ने में कितना मिनट लगा? केवल 15 मिनट। सोचो, फिर भी हम कहानी पढ़ते नहीं है। कितना सुंदर कहानी था जानवर के प्रति। तुम लोग भी तो डॉगी से सबसे प्यार करते हो, तो उसमें एक गाय की कहानी दिया कि गाय को कैसे क्या जाए, तो पढ़ने का 15 मिनट में पढ़ लिए तो हर बात, और जब दूसरी बार पढ़ लोगे तो पूरा का पूरा समझ में जाएगा। इत्मीनान आराम से, वही आराम से पढ़ने का, जिज्ञासापूर्ण कोई चीज़ को जानने की इच्छा, दूब हरी घास, आगंतुक अपरिचित व्यक्ति, किस्मत भाग्य, बथान गाय बैल के रखने का स्थान, ये ख है, मवेशी दुधारू पशु जो दूध देती है उसे मवेशी कहते हैं, दुधारू पशु को मवेशी, दरी अनाज के टुकड़े, दर्रा सॉरी ये क्या है, दर्रा है तो थोड़ा ऐसा हो जाता है किसी लिखने में, हौका निश्वास, कुछ नहीं बोलना, बिना सांस, जैसे सांस रुक गया, हौका लेते हुए करामत अली ने कहा था, पुआल धान के सूखे डंठल, जो चावल का झाड़ होता है तो वो जब चावल धान निकाल लेता है तो उसके बाद उसे पुआल कहते हैं, कांजी हाउस सरकारी मवेशी खाना, सिहरन कपा जाना, रोगन दवा मिलाया हुआ तेल, धंधा व्यवसाय, खैरियत कुशलता, मर्जी, ये सब उर्दू शब्द है, खैरियत मर्जी, इच्छा शानी चारा, सबको मिला के, हुज्जत झगड़ा, भापना रंग ढंग से जान लेना, किसको समझ गया था वो जो खरीदने आया था तो भाप लिया करामत अली, दुत्कारना धिक्कारना, दीन दिवस घर जननी माँ माता, आश्चर्य अचरज, कुछ मुहावरा भी है, मुँह मारना जल्दी जल्दी खाना, जब भूख लगा रहता तो मुँह मारना, गला भराना आवाज़ भराना, जब कोई दुख का बात सुनते हैं तो गला भराता है तो आवाज़ नहीं निकलता है, हाथ थामना सहारा देना, कोरा जवाब देना, साफ मना करना, तेश में आना जोश में आना। इसमें एक स्वमत है, यदि आप करामत अली की जगह होते तो अपने विचार लिखिए, तो अब अगर मैं करामत अली की जगह होता तो मैं भी वही करता जो करामत अली ने किया, हम भी अपने वचन निभाने वाले और पशु की पीड़ा समझने वाले इंसान हैं। जब हम किसी पशु को पालते हैं तो उसकी सुख सुविधा, उसके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। अगर मेरी स्थिति भी करामत अली जैसी होती तो मैं भी अपने पशु को भूखा मरता नहीं देख सकता, और नहीं मैं किसी कसाई के हाथों बेचता। कसाई क्या हुआ, जो गाय सबको ले जाके उसे काट के उसके चमड़ी और मांस को बेच देता है, उसे किसी अच्छे पशु घर में दाखिला करा देता, और पशु घर में अपने जैसे अन्य पशुओं के साथ मेरा प्रिय पशु भी सुखपूर्वक जीवन बिता सकता, इससे मुझे बहुत संतोष होता। एक रीडिंग मारो, दूसरी बार रीडिंग मारो, आराम से याद हो जाएगा, अपने साधारण शब्द में लिखो। ये सब प्रश्न उत्तर यहाँ लिख दिया हूँ। ज्ञान सिंह परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी, ज्ञान सिंह के बारे में, कारखाने में काम करना, उसे मवेशी पालने का, जानवर पालने का शौक था, उदार विचार वाला था, तभी तो वो उसको दिया, उदार विचार वाला था तभी तो अपनी गाय करामत अली को दे दिया। अब नौकरी से अवकाश प्राप्त मतलब रिटायर हो चुका था। ज्ञान सिंह की समस्याएं, ज्ञान सिंह को क्या समस्या था, कंपनी का मकान खाली करना था उसे, लक्ष्मी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, घर की जरूरत पूरी होने पर काफ़ी दूध बच जाता था, दर्रा और ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य क्या था, तो घर की जरूरत पूरा हो जाने के बाद दूध बच जाता था, तो दर्रा और चारा के पैसे जुटाने के लिए ज्ञान सिंह दूध बेचता था। सेवक क्या बोला, पर्यायवाची लिखो, सेवक दास को कहते हैं, जो किसी का काम करता है, नौकर है या कहो क्या कहेंगे, दास। लिंग बदलो, सेवक से सेविका, किधर से मात्रा आया, इसका विलोम विपरीतार्थक बोला लिखने, तो सेवक का स्वामी, इधर बोला वचन बदलो तो सेवक सेवकों। पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए, तो जानवर के बारे में क्या विचार लिखोगे,
कि जानवर खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसे अगर हम रखते हैं तो उसके हमें सेवा करनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। ये प्रश्न, ये शब्दार्थ है, शब्द संसार, ये मुहावरे जो उसमें लिख के दिया हूँ। यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर है कि उचित घटना क्रम के अनुसार लिखो, यानी ये चार वाक्य में पहले कौन सा होगा। तो उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है, फिर दूसरा क्या होगा, उसके गले में रस्सी थी। तीसरा, रहमान बड़ा मूर्ख है, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। ये क्या बोल रहा है, करामत अली की गाय, नाम क्या था, लक्ष्मी, उम्र क्या था, अधेड़, नस्ल कौन सी प्रजाति की थी, कौन से स्पेसिस थी गाय की, तो जर्सी, स्थिति क्या था, तो बूढ़ी हो चुकी थी। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा, बोल रहा है कारण बताओ। तो क्योंकि सुबह से लक्ष्मी को दर्रा दर्रा ऐसे लिखने का, दर्रा ऐसे, उस चिपक गया तो दड़ी हो गया, दर्रा चारा नहीं दिया था, वह भूखी थी। रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया, सानी देना मतलब भोजन देना, रोगन दिया। रहमान के मारने पर लक्ष्मी की पीठ पर काफी चोट आई थी, इसके लिए वह रोगन दिया। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। लक्ष्मी नाले के पास उगी दूब खाकर पेट भर लेगी, इसके लिए रहमान ने जाके उसे छोड़ दिया था, उसका बेटा। करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया, क्योंकि वह लक्ष्मी को भूखों मरता नहीं देख सकता था। हिंदी मराठी में समोच्चारित पीठ, तो देखो एक पीठ क्या हो जाता है, आटा जो हम लोग भोजन में खाते हैं, और एक है पीठ, शरीर का अंग। खाना भोजन को कहते हैं, और खाना दराज को कहते हैं, कहीं जो सामान सब रखते हैं। खत को पत्र भी बोलते हैं हिंदी में, उसी को मराठी में खत को खाद बोलते हैं, जो पौधा सब में डालते हैं। चारा, चारा क्या हो गया, उपज जो उसको खाने के लिए दिया जाता है, और जानवर को जो खाने के लिए चारा दिया जाता है, तो उसका भोजन हो गया। कल आने वाला, और एक कल क्या हो गया, तो कल का मतलब दो क्या हो गया, कि एक कल हो गया कि आने वाला या बीता हुआ समय, और दूसरा कल हुआ रुझान। रुझान क्या हुआ कि समझो तुम्हारा किस तरफ ज्यादा ध्यान रहता है, कौन चीज को तुम ज्यादा चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो वह तुम्हारा रुझान हुआ, यानी कल का एक अर्थ हुआ। ये क्या है कि उचित विराम चिन्हों का उपयोग करो। ओह तो यहां लगा दिए विस्मयादि बोधक चिन्ह, और ये इन्वर्टेड कोमा जो कहते हो, दोहरी दोहरी चिन्ह हो गया ये ऊपर से, और यहाँ पूर्ण विराम, ये योजक, ये इन्वर्टेड कोमा जैसा, तो ये अस्थिर से देखने का कहाँ पर क्या लगाया गया है, और कभी क्या देगा कि ये चिन्ह दे देगा और उससे एक वाक्य पूर्ण करो। तो ये सब को ध्यान से पढ़ लेने का, राम आम खा रहा है, बस फुल स्टॉप हो गया। अब ये चिन्ह कहाँ लगेगा, जिसको योजक चिन्ह कहते हैं, घर में आज चावल दाल नहीं है, तो चावल और दाल के बीच लग गया ये क्वेश्चन मार्क, तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही सबको, ये एकहरी अवतरण चिन्ह, ये दोहरी अवतरण चिन्ह, जिसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। ये चैप्टर का भी समाप्त हो गया जितना भी था। इसके बाद वाह रे हमदर्द बहुत ही अच्छा है, घनश्याम अग्रवाल लिखे हैं, और इसको कौन लिखा है, गुरुबचन सिंह, किसको, लक्ष्मी को। और इससे पहले क्या पढ़ा, भारत महिमा, वो कौन लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद। हमेशा कहानी लिखने वाले का नाम या कविता कवि का नाम मालूम होना चाहिए।